देवरिया लोकसभा से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी विनोद कुमार जायसवाल ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर दो सेट में नामांकन किया। विनोद जायसवाल ने देवरिया की जनता से विकास करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलों की पार्टी है और वो प्रदेश रह चुके हैं, एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, तो आप ऐसे में कैसे लड़ेंगे और किससे लड़ाई अपनी मानते हैं? देखिए, जनता का काफी विरोध है। मैं तो भ्रमण 2 महीना से कर रहा हूँ। बीजेपी का जुमला जनता के सामने, बीजेपी का जुमलाबाजी का मतलब अब वो कोई भी आश्वासन देता है जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी का जो कैंडिडेट आए हैं, ये मुझे भी सुनने में आया है कि बाहरी हैं, और इस बीजेपी का पिछले सांसद का भी जो टिकट कटा है, विकास के आधार ही पर कटा है 25 सांसद का टिकट, इससे साबित हो रहा है कि यूपी में विकास बीजेपी द्वारा की गई है कि नहीं है। और मैं प्लान लेकर आया हूँ और मैं वादा करता हूँ देवरिया वासियों को कि मैं वादा पूरा करूँगा, यहाँ इंडस्ट्रीज खोलूँगा। और समाजवादी कार्यकर्ता से साथ दे रहे हैं क्या आपका नेताजी? समाजवादी कार्यकर्ता साथ है क्या? किस तरह की इंडस्ट्री लगाएंगे नेताजी? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। समाजवादी कार्यकर्ता साथ में है क्या आपके साथ? साथ में है सारे कार्यकर्ता, दोनों दलों का दिल से मिलन हुआ है। अब बंद कहीं भी पट नहीं है। चीनी मिलों में क्या करेंगे? बंद जो चीनी मिले हैं, क्योंकि ये बीजेपी एक उनके जो आरोप लग रहा है, एक तानाशाह वाला आरोप लग रहा है कि सही बात है कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी किसी का नहीं सुनते हैं। नोटबंदी हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, राफेल